अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो करते शुरू और आज हम आप सबको देसी घी बनाने की रेसिपी बताएंगे। सबसे पहले हम लोग दूध के ऊपर से मलाई उतार लेंगे अच्छी तरह, दूध के ऊपर से जो दूध उबाला हुआ है हमने एक दिन पहले का। दूध के ऊपर से मलाई उतारने के बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे मलाई को। सबसे पहले मलाई डाल लेंगे इसमें। एक गिलास इसमें हम लोग नीम गर्म पानी डाल लेंगे। और अब इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह मलाई को, ताकि मक्खन आ जाए इसमें। और ब्लेंड आप सबको इसको 1-2 मिनट करना पड़ेगा, जब तक इसके ऊपर मक्खन नहीं आ जाएगा सामने ऊपर। अब आप सब देख सकते हैं कि मक्खन आना शुरू हो चुका है। अब बिल्कुल हमारा मक्खन आ गया हुआ है बिल्कुल ऊपर। आप देख सकते हैं सब सामने नजर आ रहा है कि कितना जबरदस्त मक्खन आ गया ऊपर। अब हमारा मक्खन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको मक्खन को लस्सी के अंदर से निकाल लेंगे किसी अलग बर्तन में, और हम उसको अच्छी तरह निचोड़ लेंगे, उसके अंदर लस्सी ना रहे, क्योंकि फिर देसी घी बनाने में आसानी और जल्दी से बन जाएगा अगर लस्सी नहीं होगी। अब हमने बिल्कुल मक्खन इसमें से निकाल लिया हुआ है। अब जो उसके अंदर थोड़ी सी लस्सी है मक्खन के अंदर, वो भी निकाल देंगे उसमें से, ताकि बिल्कुल भी लस्सी रह ना जाए मक्खन में। अब ये बर्तन हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया, और बर्तन की फुल आंच करके उसमें मक्खन डाल देंगे।
एक चम्मच लेके तो मक्खन को अच्छी तरह पूरे पतीले में फैला देंगे ताकि अच्छी तरह गर्म हो जाए साइडों से भी जल्दी से। जल्दी से मक्खन फिर थोड़ी देर में ही गर्म हो जाएगा और उबलना शुरू हो जाएगा और इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे और जब तक ये देसी घी पूरा अब चूल्हे पे ही तैयार होगा। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चम्मच अंदर फेरते रहेंगे ताकि घी जो है नीचे ना लग जाए, अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता फेरते रहेंगे थोड़े थोड़े वक्फे से। अब आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा देसी घी जो है वो तैयार होने लग चुका है ऊपर आग के ऊपर ही, और ये तब तक हम नज़र आप देख सकते हैं कि ज़र्रे बिल्कुल अलहदा होने शुरू हो गए हैं देसी घी से। अब हमारा जो देसी घी है बिल्कुल तैयार होने के करीब पहुंच चुका है और इसको अब थोड़ी देर और हल्की आंच पे पकने देंगे इसको जब तक के ज़र्रे बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए। अब हमारा देसी घी बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे और साइड पर रख देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए ताकि जो जर्रे हैं वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएं और देसी घी ऊपर रहे। अब हमारा देसी घी बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब आप देख भी सकते हैं कि जर्रे बिल्कुल नीचे बैठ चुके हैं। इसको हम लोग अलहदा बर्तन में अच्छी तरह छान लेंगे। अब हमारा देसी घी बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। कुछ घंटे पड़ा रहने के बाद हमारा जो देसी घी है बिल्कुल जम चुका है, ठंडा हो चुका है और थोड़ा सख्त भी हो चुका है, आप सब देख सकते हैं जैसे वीडियो में। देसी घी तो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप सब वीडियो में देख भी सकते हैं कि ठंडा होने के बाद किस तरह का थोड़ा सख्त हो गया हुआ है।